गणेश पूजन के लिए आज मैं वीगन उकड़ीचे मोदक बना रही हूँ। सबसे पहले हम उकड़ यानी कि बाहर का रैपर रेडी करेंगे, जिसके लिए मैं एक चम्मच नारियल का तेल ले रही हूँ। आप वीगन घी भी ले सकते हैं। अब इसमें 1.5 कप सूजी डालकर उसे भून लेंगे। सूजी को ब्राउन नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट तक के लिए भुनना है और कलर चेंज होने से पहले ही उसमें 1 कप वीगन दूध डाल लेंगे। मैंने काजू का दूध लिया है। काजू, बादाम और कोकोनट जैसे फुल क्रीम वाले दूध से मोदक बहुत स्वाद बनते हैं, पर आप कोई और भी प्लांट बेस्ड मिल्क ले सकते हैं। मिक्सचर को मीडियम आंच पर हिलाते रहेंगे और जब सूजी सारा दूध एब्जॉर्ब कर ले तब उसमें 1/2 कप पानी मिला लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सूजी फूलकर नरम हो गई है और आसानी से इकट्ठी हो रही है। अब इसमें केसर मिला लेंगे। केसर को मैंने पहले से ही गुनगुने दूध में भिगोकर रख लिया था। अब इसमें हम 1/2 कप चीनी मिला लेंगे। चीनी को आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब चीनी घुलने तक सूजी को हल्की आंच पर हिलाते रहेंगे। इस पॉइंट पर सूजी गूंधे हुए आटे की तरह लग रही है। सूजी को एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। चलिए तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मीडियम आंच पर एक पैन को गर्म कर लेने के बाद उसमें 2 चम्मच नारियल का तेल या वीगन घी डाल लेंगे और फिर उसमें 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बूरा उसमें भून लेंगे। जब नारियल गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें 1/2 कप कटा हुआ खजूर, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1/2 कप गुड़ पाउडर डाल के मिला लेंगे। मोदक का स्वाद और बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ कटे हुए बादाम, पंपकिन सीड्स और 1 बड़ा चम्मच खसखस का मिला लेंगे। स्टफिंग को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और मोदक बनाना शुरू करते हैं, जो कि बस मिनटों में ही तैयार हो जाएंगे। इस मोदक रेसिपी के लिए मैं मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बिना मोल्ड के मोदक बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ी सी सूजी लेंगे और उसको राउंड शेप दे देंगे। अब मोल्ड पर थोड़ा सा नारियल तेल लगा लेंगे और पेड़े को उसमें रख कर चम्मच से प्रेस कर देंगे ताकि सूजी मोल्ड का आकार ले ले। अब इसमें स्टफिंग डालेंगे और बस मोदक तैयार। कितना आसान था ना वीगन मोदक बनाना। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको कैसे लगे। अगर आपको हमारे वीगन मोदक की रेसिपी पसंद आई हो तो इस गणेश चतुर्थी आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।